गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल के गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने हीट ट्रीटमेंट स्टेज के बारे में बताया था। इस हीट ट्रीटमेंट स्टेज में हमने तीन अवस्थाएं बताए थे। पहला था हमारा हीटिंग, दूसरा था शॉकिंग, और तीसरा था क्वेंचिंग। ये तीन अवस्थाएं बताए थे। आज हम इस तीनों अवस्था का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हीटिंग। हीटिंग स्टील, जब हम स्टील को गर्म करेंगे तो स्टील को गर्म करना निम्नलिखित कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला कारक क्या होता है हमारा, फर्नेस, टाइप ऑफ फर्नेस, भट्टी के प्रकार, सबसे पहले जब हम स्टील को गर्म करेंगे तो वह हमारा जो भट्टी होता है उसके प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भट्टी हम प्रयोग कर रहे हैं उस स्टील को गर्म करने के लिए। दूसरा होता है हमारा फ्यूल, ईंधन, कौन सा ईंधन हम प्रयोग कर रहे हैं उस स्टील को गर्म करने के लिए। तीसरा होता है हमारा टाइम इंटरवल, समय अंतराल, कि उसको गर्म करने के लिए हम कितना समय दे रहे हैं। चौथा कंट्रोल, नियंत्रण के ऊपर, कोई भी जॉब को आवश्यकता, जॉब का आवश्यकता तापक्रम नियंत्रण, कितना कंट्रोल होना चाहिए, कितना नियंत्रण होना चाहिए किसी भी जॉब को गर्म करने के लिए। चौथा होता है हमारा हीटिंग रेट, ऊष्मा दर। पांचवा होता है टाइम, कितना समय देना चाहिए। एक यहाँ टाइम इंटरवल है, एक टाइम है। टाइम इंटरवल कहने का मतलब होता है समय अंतराल, मतलब पूरा जॉब को गर्म करने में कितना कितना समय में हम उस पूरा जॉब को गर्म करेंगे, मीन्स कि मोटाई के अनुसार कितना समय पर एमएम जो है या पर 10 एमएम में कितना समय मिलता है गर्म करने में, वो हो गया टाइम इंटरवल। और उस पूरे मटेरियल को, पूरे जॉब को गर्म करने में जो समय लगता है उसको टाइम बोलते हैं, समय। पांचवा होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, मींस संरचना अथवा बनावट।
उस जॉब का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, आंतरिक संरचना कैसी है, या उस जॉब का बनावट कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। शेप एंड डायमेंशन, ऑफ जॉब मीन्स उस जॉब का हमारा आकार कैसा है और माप। तो हीट, जब हम स्टील को गर्म करेंगे तो हमारा वह गर्म करना इन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, कौन सा फर्नेस में हम उसको गर्म करेंगे, कौन सा भट्टी में गर्म करेंगे, भट्टी का कौन सा प्रकार का यूज कर रहे हैं, कौन सा ईंधन का यूज कर रहे हैं, हम गैस का यूज कर रहे हैं, कोल का यूज कर रहे हैं, या फिर कोई और ईंधन जो हमारा यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम इंटरवल, समय अंतराल के ऊपर डिपेंड करता है। तापक्रम को नियंत्रण कैसे कर रहे हैं उस कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। ऊष्मा का दर क्या है, किस दर से ऊष्मा बढ़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समय के ऊपर डिपेंड करता है, उस पूरे जॉब को गर्म करने में कितना समय लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस जॉब के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है या उसकी जो बनावट है उसके ऊपर भी हीटिंग डिपेंड करता है, और उसका आकार और माप। जिस जॉब का हम हीटिंग कर रहे हैं उस जॉब का आकार कैसा है और उसकी माप कितनी मोटाई का है, कितनी चौड़ाई का है, उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, हीटिंग मेरा डिपेंड करता है। अगला होता है हमारा शॉकिंग। शॉकिंग किसको बोलते हैं, शॉकिंग कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी जॉब को गर्म करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसको कुछ देर तक हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसी टेम्परेचर पर उस जॉब को छोड़ देते हैं, ताकि वह जॉब पूरा जॉब वो का क्या है उसके गर्म हो सके। तो जब हम कुछ समय के लिए इसको जब हम छोड़ते हैं तो इसी को बोला जाता है सॉकिंग, उसी को क्या बोला जाता है, सोखना। ठीक है, तो सोखने का जो समय होता है, सॉकिंग समझ में आ गया। अब सॉकिंग टाइम, सॉकिंग हो गया कि उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद कुछ देर तक छोड़ना, ताकि पूरा जॉब हुआ गर्म हो सके, उसी को क्या बोलेंगे, सॉकिंग। सॉकिंग टाइम क्या होता है, सॉकिंग टाइम डिपेंड करता है हमारा सॉकिंग टाइम हमारा डिपेंड करता है किस पर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया या अनुप्रस्थ काट के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बड़ा वो हमारा जॉब है उसके ऊपर उस हमारा शॉकिंग टाइम डिपेंड करता है। इसके साथ जो हम केमिकल स्ट्रक्चर जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसको गर्म करने के लिए, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, हैं, उसके ऊपर यानी रासायनिक संरचना, के ऊपर डिपेंड करता है।
चार्जिंग अमाउंट एंड अरेंजमेंट, ऑफ फर्नेस, भट्टी में चार्ज की कई मात्रा और व्यवस्था। ठीक है, तो जो भी हम भट्टी यूज कर रहे हैं उस भट्टी में हम जो चार्ज करें, चार्ज करने का मतलब होता है जो हम ईंधन डाल रहे हैं उस मेटल को गर्म करने के लिए, तो कितना मात्रा में कितना अमाउंट में मटेरियल को डाल रहे हैं उस पर, और उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है फर्नेस के अंदर, कैसा व्यवस्था है उसको जलने के लिए, इसके ऊपर भी हमारा शॉकिंग टाइम डिपेंड करता है। सामान्यतः जो होता है किसी भी स्टील को गर्म करने के लिए 5 मिनट प्रति 10 mm मोटाई के लिए हम किसी भी जॉब को गर्म करने के लिए शॉकिंग टाइम देते हैं, या फिर ये तो हो गया हमारा किसके लिए, तो एलॉय स्टील, ये हो गया हमारा एलॉय स्टील। कोई भी अगर एलॉय स्टील है, मिश्र धातु, मिश्र स्टील है, तो उसके लिए 5 मिनट प्रति 10 mm मोटाई का। और कोई भी मान लेते हैं हाई एलॉय स्टील है, उच्च मिश्र धातु है, कोई भी हाई एलॉय स्टील है, उसके लिए 10 मिनट प्रति 10 mm मोटाई, 10 mm थिकनेस के ऊपर हमारा क्या होता है शॉकिंग टाइम डिपेंड करता है। इसके बाद है हमारा क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का मतलब होता है ठंडा करना। जब हम मटेरियल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके आंतरिक गुणों में जब बदलाव की आवश्यकता होती है हमारे आवश्यकता के अनुसार है या हमारे प्रयोग के अनुसार, तो उसको क्या करते हैं, उसी के अनुसार हम उसको ठंडा करते हैं, उसी को बोला जाता है क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग जो होता है हमारा ज़्यादातर डिपेंड करता है, जो क्वेंचिंग मीडिया होती है या क्वेंचिंग, हिंदी में इसको बोलेंगे क्विंचिंग माध्यम, जो हम जनरली यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, या तो हम पानी के साथ उसको ठंडा करेंगे वाटर, या दूसरा हमारा कोई तेल हो गया जिसको हम लोग ऑयल बोलते हैं, तीसरा हो गया हमारा हल्का नमक का घोल, हल्का नमक का घोल जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन,
ब्राइन मिक्सचर या फिर हवा। इसके साथ साथ एक और होता है फर्नेस क्वेंचिंग। फर्नेस क्वेंचिंग तो क्वेंचिंग हमारा जो मीडियम होता है, क्वेंचिंग का जो माध्यम होता है किसी भी जॉब को, किसी भी मेटल को या फिर कोई भी स्टील को ठंडा करने का जो माध्यम होता है, या तो हम उसको पानी के पानी से ठंडा कर सकते हैं, तेल में डुबा के इसको ठंडा कर सकते हैं, हल्का नमक का घोल में डुबा के ठंडा कर सकते हैं, खुले वातावरण में हवा में उसको ठंडा कर सकते हैं, या फर्नेस में। फर्नेस करने का मतलब जिस भट्टी में उसको गर्म कर रहे हैं उसी भट्टी में उसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसको क्या बोलेंगे, फर्नेस क्वेंचिंग। पानी तो कोई सा भी पानी हम प्रयोग कर सकते हैं ठंडा करने के लिए, लेकिन नमक का जो घोल होता है वह प्रयोग होता है हमारा जल्दी, किसी भी जॉब को जल्दी अगर ठंडा करना है तो उसके लिए हम नमक का घोल का प्रयोग करते हैं। तेल का प्रयोग वैसा तेल का प्रयोग करेंगे जिसमें स्मोक कम से कम निकले, मतलब धुआं जो है वह कम से कम निकले। अगला होता है हमारा हीट ट्रीटमेंट मेथड। इसको मिटा दें। हीट ट्रीटमेंट मेथड ऊष्मा उपचार विधि। हीट ट्रीटमेंट मेथड जो होता है हमारा पांच तरह का होता है। हीट ट्रीटमेंट मेथड कितने तरह का होता है, पांच तरह का होता है। पहला होता है हमारा नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग हिंदी में नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। अगला होता है एनिलिंग, एनिलिंग तीसरा होता है हमारा हार्डनिंग, हार्डनिंग चौथा हमारा टेम्परिंग, टेम्परिंग पांचवा होता हमारा केस हार्डनिंग, CASE केस, केस हार्डनिंग। इसी पांच विधि से हम ऊष्मा उपचार करते हैं, नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस टेम्परिंग। तो एक एक करके हम समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला है एनिलिंग, सॉरी नॉर्मलाइजिंग, पहला हमारा नॉर्मलाइजिंग। देखो
जब हम किसी मेटल को पीटते हैं या फिर कोई हॉट वर्किंग कार्य है, हॉट वर्किंग कार्य करते हैं या कोई हम फॉर्जिंग कार्य करते हैं, उसमें क्या होता है कि मटेरियल हमारा टूटने लगता है, अंदर से कण क्या होता है टूटने लगता है, ठीक है, अंदर के कण टूटने लगते हैं। मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई विकृति आ गई, क्या हुआ, क्या हो गया, भंगुर हो गया, ब्रिटल हो गया, तभी तो वो क्या कर रहा है, लोड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वह टूट जा रहा है। तो इस विधि के द्वारा उस मेटल में वो भंगुरता या टूटने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को खत्म किया जाता है। उसी विधि को बोला जाता है हीट ट्रीटमेंट विधि, और इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग विधि, ठीक है। इसमें जो होता है, जब जॉब को क्रांतिक तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 या 40 डिग्री ऊपर तक हम जब उसको गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद जब उसको हम कुछ समय तक छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, इस विधि को क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजिंग। इसको हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग के अनुसार दिखाते हैं। ये हमारा टेम्परेचर को शो करेगा, ये हमारा कार्बन प्रतिशत को शो करेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन को, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो गया हमारा 0.1, 0.2, 0.3, इसको ऐसे लिखते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 अच्छे से दिखना चाहिए तभी पता चलेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, ये मान लेते हैं यहाँ तक है, 1.4 तक, ठीक है। इसके बाद ये टेम्परेचर को हम दिखाते हैं, ये हो गया हमारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। तो 700 के ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, ये क्यूरी पॉइंट हो जाएगा, 723 हमारा, ये हमारा क्यूरी पॉइंट हो गया। इस क्यूरी पॉइंट के ऊपर हो जाएगा हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और 950 यहाँ से यहाँ आते हैं, 950 ये मेरा यहाँ हो गया,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर LCT, ठीक है, और ये हो गया हमारा UTC अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जब किसी स्टील को अपर क्रिटिकल से ऊपर, ठीक है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब उच्च क्रांतिक तापमान से 30 से 40 डिग्री ऊपर जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 950 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये जो सेंटीग्रेड होगा वो कितना हो जाएगा, 950 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, है? तो इससे ऊपर इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होना चाहिए, यह हाइपोएटेक्टोवाइड स्टील मतलब कि हमारा 0.8% से कम मेरा कार्बन, सॉरी 0.8% से ज़्यादा कार्बन हमारा होना चाहिए। ये हमारा ज़्यादा कार्बन 0.8 से दिखा रहा है। तो जब हम किसी भी स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री आगे तक जब हम उसको गर्म करते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं तो इस विधि को बोला जाता है नॉर्मलाइजिंग। इस विधि को क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजिंग। इस विधि में क्या होता है, हमारा जो इंटरनल स्ट्रेसेस होता है, या जिसको प्रतिबल जो बोलते हैं, ठीक है, या ब्रिटलनेस या भंगुरता या क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो किसी भी मटेरियल में, किसी भी स्टील में इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए या हमारा भंगुरता को हटाने के लिए उस स्टील को क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने का मतलब क्या होता है, उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री ऊपर तक हम उसको गर्म करते हैं और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इस विधि को नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा एनीलिंग। एनीलिंग जो विधि होता है, इस विधि में सबसे पहले स्टील से जो हमारा प्रतिबल है, जो स्ट्रेसेस है, उसको ख़त्म करते हैं और जब हम स्टील को नॉर्मलाइजिंग विधि से गर्म करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो यह उस स्टील में क्या करता है, हमारा तन्यता को बढ़ाता है। तन्यता को बढ़ाता है मतलब वह क्या करता है, उसको एक पतले तार के रूप में खींचने के योग्य बनाता है। सॉरी तन्यता, हाँ, डक्टिलिटी, तन्यता को बढ़ाता है और उसको हम क्या करते हैं, एक तार के रूप में खींचने के योग्य बनाता है। इस विधि में, इस विधि को क्या बोलते हैं, एनीलिंग। इस विधि को क्या बोलेंगे, एनीलिंग। दैट मीन्स कि उसको क्या करते हैं हम, क्रांतिक ताप से, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कुछ देर तक गर्म करते हैं और उसको पर क्या करते हैं, उसको सोखने के लिए छोड़ देते हैं, सोकिंग के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय तक पूरे मटेरियल को गर्म करने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। यह अवस्था जो होती है हमारा, जो सोखने की अवस्था होती है हमारा, 5 मिनट प्रति 10 mm की मोटाई तक रखा जाता है। जब यह एक समान प्रतिशत तक गर्म हो जाता है तो यह क्या करता है, हमारा धीरे धीरे यह कार्बन की प्रतिशत के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कार्बन का प्रतिशत कितना रखेंगे, उस अनुसार वह
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारा घटते जाएगा हमारा टेम्परेचर क्या होगा बढ़ते जाएगा। कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाएगा टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा घटते जाएगा। दैट मीन्स अगर हम कार्बन का परसेंटेज 0.25% तक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर हम दिखाएं इसको तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये टेम्परेचर, अगर यह 0.25 तक है, कार्बन का प्रतिशत अगर 0.25 है तो इसका तापमान 875 डिग्री सेंटीग्रेड से 925 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर कार्बन का प्रतिशत 0.5 है तो इसका टेम्परेचर 815 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा 840 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर कार्बन का परसेंटेज हमारा 0.9 तक है तो इसका तापक्रम 780 डिग्री सेंटीग्रेड से 810 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर कार्बन का प्रतिशत 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 1.3% है तो इसका तापमान 760 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो जब हम इसमें क्या बताए कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से कुछ समय तक जब हम उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे, सोकिंग के लिए छोड़ देंगे, और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, ठंडा करने के लिए या तो हम उस पुर्जे के ऊपर क्या करते हैं या उस जॉब के ऊपर कोई भी रेत, ठीक है, रेत राख है, रेत या राख से उसको क्या करते हैं हम ढक देते हैं, या कोई सूखा चूना है, सूखा चूना, इस सूखा चूना से हम उसको उस मटेरियल को क्या करते हैं ढक देते हैं ताकि एयर के वो संपर्क में ना आ सके और वह धीरे धीरे ठंडा हो सके। इससे क्या होता है उसके अंदर के गुणों में विकास होता है, इसको क्या बोलेंगे हम एनिलिंग, इसको क्या बोलेंगे एनिलिंग। इसको अगर हम ग्राफ से देखें
ये हो गया हमारा एल सी टी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये हो गया हमारा यू टी सी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा 950 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो कार्बन का जो परसेंटेज है हमारा वह 0.8 से ज़्यादा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये 780 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मान के चलें। चलो तो जब क्या होता है कि इसमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जब हम स्टील को गर्म करते हैं, स्टील को गर्म करने के बाद जब हम उसको वायु के संपर्क में आए बिना किसी राख से, सूखा चूना से या रेत उस पर ढक कर जब उसको ठंडा करते हैं, इस विधि को क्या बोला जाता है, एनिलिंग। इस विधि को क्या बोला जाता है, एनिलिंग। तो इसमें जो गर्म करने की जो हमारा दर होता है, जो समय होता है, वह 5 मिनट प्रति 10 mm की मोटाई तक होता है। जब हम इसको गर्म करेंगे एनिलिंग विधि से, जब हम किसी स्टील का हीट ट्रीटमेंट करेंगे, गर्म करेंगे, तो यह क्या करेगा, वह उस स्टील को नर्म बनाएगा और क्या करेगा, उसमें डक्टाइल या तन्यता के गुण को विकसित करेगा। और जो हमारा इंटरनल स्ट्रेसेस है, जो इंटरनल स्ट्रेसेस है, इंटरनल स्ट्रेसेस कहने का मतलब होता है जो प्रतिबल है हमारा, या इंटरनल स्ट्रेस या स्ट्रेस, उसको यह क्या करेगा, खत्म करेगा। जब इंटरनल स्ट्रेसेस खत्म करेगा तो क्या होगा, कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो वह क्या होगा, नर्म होगा और ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो आज हमने चर्चा किया नॉर्मलाइजिंग के बारे में और एनिलिंग के बारे में, अगले क्लास में बाकी के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।